हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पुष्पलता किचन। पुष्पलता किचन को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर हिट कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए मैं बताती हूँ आज मैंने क्या बनाया है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ फराली खांडवी की रेसिपी। और ये मेरी इनोवेटिव रेसिपी है क्योंकि अभी तक जो है खांडवी हमने बेसन से ही बनाया है हमेशा, पर आज मैंने थोड़ा इसमें इन्वेशन करके आज मैंने इसको सिंघाड़े के फ्लोर से बनाया है। और ये खांडवी, और सच मानिए फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी बनी है। और आप ऐसे बना के व्रत में खा सकते हैं। सिंघाड़े का हलवा तो आपने बहुत खाया होगा, पूड़ी खाई होगी, पर खांडवी नहीं खाई होगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि मैंने कैसे बनाया है और इसके लिए हमने क्या क्या लिया है। और फ्रेंड्स, इस की जो रेसिपी है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी, और इसका जो टेक्स्ट रेसिपी है, और क्योंकि मैं ये पिक से बना रही हूँ, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम हो तो आप रेसिपी देख के भी, टेक्स्ट रेसिपी देख के आप बना सकते हैं। वहाँ पे मैंने पूरा इंग्रेडिएंट्स और इसका मेथड क्या है वो सब मैंने पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा हुआ है। तो चलिए अब मैं स्टार्ट करती हूँ। खांडवी जो है गुजरात की फेमस डिश है और ये बहुत ही सब लोग यहाँ पसंद करते हैं। तो चलिए बनाती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने लिया है 1 बाउल सिंघाड़ा फ्लोर और 1 बाउल ही कर्ड लिया है मैंने। और उसके बाद यहाँ पे मैंने थोड़ा सा तिल लिया है और सेंधा नमक लिया है यहाँ पे, और ये मैंने जिंजर ग्रेट करके लिया है और ग्रीन चिली चॉप करके लिया है, और इसको आप कूट के भी ले सकते हैं। और उसके बाद हमने इसमें 1 कटोरी मैंने ये डाला है और 2 कटोरी पानी डाल के, और ये जो हमारा सिंघाड़े का फ्लोर है उसको हमको इसका बैटर रेडी करना है और यही रेशियो रखना है। और इसका बैटर रेडी हो जाने के बाद फिर हम इसको पकाएंगे, जैसे कि हम खांडवी का जो सेम प्रोसेस होता है वही हम यहाँ पे करेंगे। और अब हम यहाँ पे एक कढ़ाई लेंगे, कढ़ाई को गरम करेंगे, उसमें 1 स्पून ऑयल डालेंगे, और ऑयल या घी आप कुछ भी ले सकते हैं। और उसके बाद हम उस जो ग्रीन चिली लिए हैं और जिंजर, उसको हम उसके अंदर अच्छे से कर देंगे, भून लेंगे, और फिर उसको हमको लगातार हिलाते हुए पकाना है और कंटिन्यूस हिलाते ही रहना है, नहीं तो फिर वो नीचे लग जाएगा। तो हमें रुकना नहीं है और उसका अच्छे से बैटर रेडी करना है और अच्छे से हमको थिक उसका रखना है। आप देख सकते हैं किस तरह का है। और जब ये बैटर आपको कढ़ाई छोड़ने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये रेडी हो गया है, और आप एक बार टेस्ट भी कर सकते हैं इसको। टेस्ट करने के लिए आप 1 स्पून से प्लेट पे आप थोड़ा सा उसको फैला दीजिए और थोड़ा ठंडा होने दीजिए, और फिर उसको फिंगर से इस तरह से करके आप देखिए, अगर वो अच्छे से रोल हो रहा है मीन्स कि आपका बैटर रेडी है और आप उसको थाली के ऊपर अच्छे से फैला सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने, आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने फैला दिया है, और एक साथ फैलाना है और फटाफट फैलाना है क्योंकि ये बहुत जल्दी सूखने लगता है। तो आप गर्म गर्म जल्दी जल्दी स्पून की हेल्प से फटाफट इसको फैला दीजिए। उसके बाद फैलाने के बाद थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा, फिर हम इसको कट करेंगे, और हमें लंबाई में इसको करना है, हमको रोल बनाना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने लंबे लंबे कट्स लगा लिए हैं, जितने भी हो 2-3 कट लगा लेने हैं। फिर इसको एक साइड से थोड़ा सा उसको ऊपर करेंगे और फिर उसको फोल्ड करते करते नीचे ले आएंगे, तो हमारा जो खांडवी है वो रेडी हो जाएगा। खांडवी जब रेडी हो जाएगा तो हम उसके ऊपर एक तड़का देंगे। तड़का देने के लिए हमने जो तिल लिया था, ऑयल, तिल, करी पत्ता लेके उसके ऊपर पूरा हम तड़का डाल देंगे। तो यहाँ पे हमारा खांडवी रेडी हो गया है और इसको मैंने सर्व कर दिया है, और ये बहुत ही अच्छा बना है, बहुत टेस्टी है। एक बार आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स फैमिली में, कि कभी भी किसी का फास्ट हो तो आप इस तरह से बना के खा सकते हैं, खिला सकते हैं। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा दीजिएगा। मिलती हूँ फिर एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, गुड डे, टेक केयर, जय माता दी।